नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक अगेन। आई एम योर डाइटिशियन डॉक्टर हैप्पी। और आप सभी लोगों को मालूम है हमारी यंगस्टर सीरीज चल रही है और आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के बारे में। आजकल स्ट्रेस इतना ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है कि हम सब ना चाहते हुए भी इसका एक पार्ट बन चुके हैं। ग्लोबली स्ट्रेस बिकम द सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ एंड मोस्ट अफेक्टेड एज ग्रुप इज 18 to 29 ईयर्स। हर साल 8 लाख से भी ज़्यादा लोग स्ट्रेस के कारण डाई होते हैं या फिर सुसाइड कमिट कर लेते हैं। मीन्स हर 40 सेकेंड में एक बंदा अपनी जान गंवा रहा है। इजेंट इट अ वेरी सीरियस इशू? So how you live a very happier and less stressed life? In this video, I'm going to tell you top 5 stress fighting foods which give you instant relief from your stress. So stay tuned and let's start the video. हम सभी लोगों की लाइफ में स्ट्रेस रहता ही है, चाहे वो डेली हैसल्स का हो, ऑफिस वर्कलोड, फ्रेंड्स, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज या फिर पर्सनल इश्यूज का। लेकिन वो एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेस होता है, विच इज़ क्वाइट गुड फॉर आर हेल्थ, बिकॉज वो स्ट्रेस हमारी बॉडी और ब्रेन को प्रिपेयर करता है टू फाइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर सिचुएशन, अ थ्रेट कंडीशन सेफली। उस टाइम पर आपकी बॉडी में ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाता है, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाता है, मसल्स टेंस हो जाती हैं और ब्रेन को मोर ऑक्सीजन मिलने लग जाती है, जिसके कारण ब्रेन मोर फोकस्ड, कंसंट्रेटेड होकर उस सिचुएशन को टैकल करता है और अपनी एक्टिविटी की एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। और ये कंडीशन 90 मिनट्स में नॉर्मल भी हो जाती है। बट अगर यही स्ट्रेस लॉन्ग टाइम तक परसिस्ट करता है तो ये एक डिफरेंट स्टोरी क्रिएट कर देता है। ये हमारे लाइफ सेविंग रिएक्शंस को डिस्टर्ब करता है, हमारी इम्यूनिटी, डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर, स्लीप और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिस्क में डाल देता है। और ये आपके हंगर लेवल को इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण आपको शुगर और हाई फैट को खाने की क्रेविंग होती है, जिसके कारण आपकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है एंड आपकी बॉडी मोर प्रोन टू ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट डिजीजेज और उसके साथ ही डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार भी हो जाती है। Now how you manage it? First line treatment of stress management is nutritious diet. Proper diet ही आपके stress को combat कर सकती है by strengthening up your immune system, stabilizing your mood and reduction in your blood pressure. So number 5 stress fighting food is citrus fruits. Add some guava, apple, pear, plum, orange, lemon in your diet. इनका एक anti-inflammatory action होता है, plus इनमें antioxidant बहुत अच्छी amount में प्रेजेंट होते हैं। ये आपके शुगर लेवल को कम कर देते हैं, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, प्लस आपके गट माइक्रोबायोम को इंक्रीज कर देते हैं, जो इमीडिएटली आपके स्ट्रेस को रिलीव कर देता है। सो मेक श्योर एड सम सिट्रस फ्रूट। नंबर 4 इज सीड्स, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स एंड फ्लैक्स सीड्स। दे आर रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, मैग्नीशियम एंड जिंक। ये आपके ब्लड में इंसुलिन के लेवल को कम कर देते हैं, प्लस आपकी स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव कर देते हैं एंड प्रोटेक्ट यू फ्रॉम डिप्रेशन एंड हार्ट डिजीजेस। नंबर 3 इज होल ग्रेन कार्बोहाइड्रेट्स। आपको बिस्किट, रस, ब्रेड की जगह गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मकई, इन सब चीज़ों को ऐड करना है, एज दे आर वेरी रिच इन फाइबर और ये आपकी बॉडी में सेरोटोनिन हार्मोन को इंक्रीज कर देते हैं, जिसे हैप्पी हार्मोन, गुड हार्मोन और एक नेचुरल स्लीपिंग पिल भी कहा जाता है, जो आपकी बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन को, एंजाइटी लेवल को इमीडिएटली लो कर देते हैं। एंड नंबर 2 इज माई फेवरेट बनाना। बनाना इज रिच इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उसमें पोटेशियम तो बहुत अच्छी अमाउंट में होता ही है, अलॉन्ग विद दैट इट इज़ ऑल्सो रिच इन
मैग्नीशियम एंड बी विटामिंस। मैग्नीशियम आपकी बॉडी में एक तरह का केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है, दैट इज डोपामिन, जो डायरेक्टली आपके स्ट्रेस हार्मोन के लेवल को लो कर देता है। बिकॉज जब आपको स्ट्रेस होता है तो मैग्नीशियम आपकी बॉडी से रिलीज आउट होने लग जाता है, तो आपकी बॉडी में उस टाइम पर मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। सो मेक श्योर बनाना को ज़रूर ऐड करें। प्लस ये आपके ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, हेडेक, फिटीग, पीएमएस सिम्टम्स, और उसके साथ ही कैल्शियम और पोटेशियम की एसिमिलेशन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट टाइम से जब भी आपको कभी स्ट्रेस हो, देन जस्ट राइप अ बनाना एंड ईट इट। एंड नाउ नंबर 1 इज काजू, कैश्यू, जिसे एंटी डिप्रेसेंट फूड भी कहा जाता है। कैश्यू इज रिच इन विटामिन B6, फॉलेट, हेल्दी फैटी एसिड्स एंड मैग्नीशियम। ये इमीडिएटली आपके कॉर्टिसोल लेवल को लो कर देता है, प्लस आपकी बॉडी में इंफ्लामेशन और कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर देता है, जिसके कारण आप हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज, डिप्रेशन और एंजाइटी, इन सभी चीज़ों से इजीली बच जाते हो। तो मेक श्योर ऐड काजू इन योर डाइट, बट नॉट मोर देन 4 to 5 काजू अ डे। सो ऐड दीज 5 फूड चेंजेस इन योर डाइट एंड लिव अ वेरी हेल्दियर, हैप्पियर एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ। I hope you like the video, then give it a very big thumbs up and share this video and subscribe my YouTube channel agar abhi tak nahi kiya. I'll meet you in the next video. Till then, take care. Bye-bye.